हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है ऑल न्यू 2024 एमजी हेक्टर का मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है एमजी हेक्टर का साइन प्रो वेरिएंट। अगर आप हेक्टर का कोई वैल्यू फॉर मनी एंड अफोर्डेबल वेरिएंट ढूंढ रहे हैं, देन आप इस वेरिएंट को ज़रूर से कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि अपने प्राइसिंग के अनुसार ये बेस्ट वैल्यू डिलीवर करती है और इतनी बिग साइज एसयूवी होने के बावजूद इसका प्राइस काफ़ी अफोर्डेबल है और दूसरे आने वाले सेगमेंट से काफ़ी बेहतरीन फीचर्स भी ऑफर करती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए इस कार को एक्सप्लोर करते हैं। फ्रंट से बात करें तो फ्रंट से वाइड बोनट कार की देखने को मिल जाती है और एक ट्रू एसयूवी का फील देती है। ऊपर की तरफ हमें सिक्वेंशियल एलईडी डीआरएल एंड इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। साथ में मैसिव सी बड़ी सी ग्रिल देखने को मिलती है, जिसमें क्रोम एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि इसको और भी बेहतरीन बना देती है। साथ में बड़ी सी एमजी की लोगो देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प का सेटअप देखने को मिलता है, साथ में एलईडी फॉग लैम्प्स भी देखने को मिलते हैं, तो विजिबिलिटी को लेकर भी कोई इशू नहीं है। बाकी जो स्किड प्लेट है उसमें सिल्वर फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। फ्रंट में कोई भी सेंसर या फिर कैमरा देखने को नहीं मिलता। साथ में यहाँ पे 192 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, ये है एमजी हेक्टर साइन प्रो वेरिएंट का फ्रंट लुक। फ्रंट से आप इसको बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि ये सेकेंड बेस्ट मॉडल है, बिल्कुल टॉप मॉडल की फील देती है। चलिए अब मूव करते हैं कार के साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड में जो फर्स्ट थिंग हम नोटिस करते हैं वह है 17 इंच के अलॉय व्हील्स, जो कि बेहतरीन बात हो जाते हैं। साथ में यहाँ पे 192 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलते हैं। 2750 mm का शानदार व्हील बेस देखने को मिल जाता है और अपने सेगमेंट में बेस्ट व्हील बेस देखने को मिलती है। लेंथ भी इस कार की 4.6 मीटर देखने को मिलती है। साथ में क्रोम एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे जो क्रोम डोर हैंडल्स हैं देखने को मिलते हैं, रिक्वेस्ट सेंसर भी देखने को मिल जाते हैं। साथ में ऊपर की तरफ हमें सनरूफ देखने को मिलती है और यहाँ पे शार्क फिन एंटीना भी है। बाकी टर्न इंडिकेटर ORVM पे प्लेस देखने को मिलते हैं और ORVM इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ आती है, तो इसका साइड प्रोफाइल काफ़ी बेहतरीन है और एक बड़ी एसयूवी की फील देती है। पीछे की तरफ मूव करने पे हमें एलईडी टेल लाइट का सेटअप देखने को मिलता है, जो कि पूरी तरीके से कनेक्टेड है। साथ में ऊपर की तरफ हाई माउंट स्टॉप लैंप, रियर वाइपर डिफॉगर दोनों देखने को मिलते हैं। ऊपर की तरफ रूफ रेल्स एंड शार्क फिन एंटीना भी देखने को मिल जाती है। बड़ी सी हेक्टर की बैजिंग, रिवर्स पार्किंग सेंसर एंड कैमरा दोनों देखने को मिलता है। तो फीचर के हिसाब से इस गाड़ी में कोई भी कमी हमें देखने को नहीं मिल रही है, जो कि एक बेहतरीन बात हो जाती है। बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पे 587 लीटर की मैसिव बूट स्पेस देखने को मिलती है, जो कि अपने कंपटीशन के हिसाब से बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, ये था एमजी हेक्टर साइन प्रो का कंप्लीट एक्सटीरियर। इंटीरियर की तरफ डोर से स्टार्ट करें तो नीचे में हमें बोतल होल्डर्स की जगह मिलती है। बाकी स्पीकर का ग्रिल देखने को मिल जाता है, ऑल 4 पावर विंडोज देखने को मिल जाते हैं। साथ में सिल्वर फिनिश के साथ डोर ओपनिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट फॉर मिरर भी देखने को मिलते हैं, हालांकि फोल्ड अनफोल्ड आपको मैनुअल करना पड़ेगा। स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो यहाँ पे लेदर रैपिंग स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलती है। हाँ फ्रेंड्स, सेकेंड बेस्ट मॉडल होने के बावजूद बाकी यहाँ पे क्रूज कंट्रोल, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि अच्छी बात है। MID की बात करें तो उसमें भी आपको सभी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाते हैं, जो कि अगेन पॉजिटिव बात हो जाती है। पुश इंजन स्टार्ट स्टॉप भी इस वेरिएंट में हमें दिया गया है। कोई भी ऑटोमेटिक वाइपर देखने को नहीं मिलती। 14 इंच की बड़ी सी इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलते हैं, जो कि आपको वर्टिकली देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको 6 स्पीड का ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। वायरलेस चार्जिंग इस वेरिएंट में हमें देखने को नहीं मिलती। नॉर्मल टाइप सी एंड टाइप ए पोर्ट देखने को मिलता है। बाकी कप होल्डर्स एंड मैनुअल हैंडब्रेक देखने को मिल जाती है। इसके CVT वेरिएंट में हमें ऑटोमेटिक हैंडब्रेक भी देखने को मिलते हैं। बाकी फ्रंट में आर्मरेस्ट भी देखने को मिल जाता है। कार में स्पेस काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है और काफ़ी वाइड देखने को मिल जाती है। बोनेट विजिबिलिटी भी कार की काफ़ी अच्छी है
और आप इसको ड्राइव करते हुए किंग ऑन द रोड्स लग सकते हैं। बाकी ऊपर की तरफ हमें नॉर्मल IRVM देखने को मिलते हैं और सनरूफ के कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। इस वेरिएंट में हालांकि छोटी वाली सनरूफ देखने को मिलती है, पैनोरामिक सनरूफ इससे ऊपर वाले वेरिएंट्स में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको लेदर रैपिंग देखने को मिल जाती है डैशबोर्ड में, जो कि एक प्रीमियम फील देती है। बाकी फैब्रिक सीट्स का इस्तेमाल किया गया है और हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलते हैं और ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट के साथ आती है। तो चलिए अब पीछे वाली सीट पर चलते हैं। तो पीछे से देखने पे ओवरऑल इंटीरियर कुछ ऐसा देखने को मिलता है। पीछे में हमें रियर AC वेंट्स देखने को मिल जाते हैं, साथ में आपको व्हील बेस काफ़ी अच्छा है तो स्पेसिंग कार में काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। ऑल 4 पावर विंडोज़ हैं, सिल्वर फिनिश आपको डोर ओपनर में देखने को मिल जाता है। बाकी ऊपर की तरफ हमें यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलते हैं, सीट्स काफ़ी अच्छा डिक्लाइन आते हैं, आर्मरेस्ट भी देखने को मिलता है और तीनों हेडरेस्ट एडजस्टेबल देखने को मिलते हैं। पीछे में पार्सल ट्रे एसेसरीज के रूप में लगवा सकते हैं। बाकी रियर वाइपर डिफॉगर देखने को मिल जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था MG हेक्टर का कंप्लीट इंटीरियर। तो चलिए अब इसकी प्राइसिंग को देख लेते हैं। तो MG हेक्टर साइन प्रो वेरिएंट की प्राइसिंग आप आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा रिव्यू। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। आपका दिन शुभ हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।